الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما बुलंदाबाद नाल सब पढ़ी सलातो सलाम अलैक या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिक व सहाबिक या सैयदी या हबीब अल्लाह बुलंदाबाद नाल पढ़ी सलातो सलाम अलैक या सैयदी या शफी अल मुज़निबीन وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الله رب العزة حمد وصلاة وبعد درود وسلام بارگاه سيد الانبياء محبوب كبرياء شافي روز جزاء नबी अकरम शफी मौज़म ताजदारी बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाईसी तख्लीक कायनात सदर बज़्म कायनात मस्दर कायनात जनाबी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वबारक वसल्लम अदबाद वाजिबुल एहतराम मौजूद मुहतरम उलमाए किराम नात खाना शेरी लिसां बानियाने महफिल नकीब महफिल मौजदीन इलाका मेहमान गिरामी अजीज़ुल कदर हाजरीनु सामीन किराम अज दा ए पकीज़ा इज्तिमा बज़्मे गौसुल वरा दे ज़िले इहतमाम बसिलसिले बड़ी ग्यारहवीं शरीफ आप दी इस जामिया मस्जिद फारूकिया हनफिया गुजरावाला दे अंदर इनाकात पज़ीर है। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हाँ तमाम मुंतज़मीन महफिल दा सदरे बज़म जनाबे हाजी अब्दुल रशीद बट साहेब नायब सदर जनाबे बाबा मोहम्मद गुलाम फरीद कादरी साहेब मोहम्मद सलीम माहिर साहेब मोहम्मद हनीफ साहेब और तमाम मुंतज़मीन महफिल जिन्होंने इस महफिल पाक का इहतमाम फरमा के मैनू और आपा बाब नू हज़ूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु दी पाकीज़ा याद दी महफिल च बैठन का मौका फराहम किया। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन रातों का सदका जिहड़ियां नबी करीम अलैहि सलातो सलाम ने गारे सौर ते गारे हिरा च गुजारियां अल्लाह मेरी और आपा बाब दी अज दी रात कबूल फरमा के साढ़े सारे वास्ते जरिए निजात बनाए। उलमाए किराम तशरीफ फरमा ने मैं चूंकि फर्दन फर्दन नाम तो वाकिफ नहीं हाँ माजरत दरखास्त गार हाँ कुरबो जवार के तमाम इलाकों तो आपा बाब भी जौक दर जौक तशरीफ लेके आए। नबी करीम के जोड़े पाकां दी खैरात रब ताला हर कदम ते नेकियां दे ज़खीरे नसीब फरमाए। चूंकि महफिल ग्यारहवीं शरीफ है हज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु दा तज़करा ही मौज़ू-ए-सुख़न है तो
कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारक भी इसे ही ज़िम्मत के अंदर पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अपने वलियां की पहचान इरशाद फरमा दिया, इरशाद फरमाया कि वह लोग जिन्हों दातं अपने रब की याद के अंदर कयाम और सजदे की हालत बीत जा। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि असा रात को सुकून लिए बनाए। असी दुनियादार ही समझने कि शायद अल्लाह ने रात को सौन लिए बनाए। औलिया ते सुफिया ने दसिया कि अल्लाह ने रात को सौन लिए नहीं सुकून लिए बनाए। ये सुकून अपना अपना है, कोई जा के सुकून लैंदा है ते कोई सो के सुकून लैंदा है। किसी नूं रात बिस्तर ते लेट के सुकून मिलता है, किसी नूं रात मुसल्ले ते कयाम करके खड़े होके सुकून मिलता है, किसी नूं रात सो के किसी नूं जाग के मिलता है, किसी नूं सुकून विच सुकून मिलता है। और किसी नूं अल्लज़ीन इज़ा ज़िकरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, किसी नूं उहदी याद च तड़प के फड़क के सुकून मिलता है। सुकून अपना अपना है। अलिफ लाम मीम दी अलिफ दी चोटी तो लैके वन्नास दी सीन दे घेरे तक कुरान पढ़िए। कुरान पाक दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बार भी किधरे सौण वालियां दी तारीफ नहीं की। अल्लाह ने जदों भी सिफत बयान फरमाई जागन वालियां दी की। रब ताला ने दस्या कि वह लोग जिहड़े अल्लाह दी याद च रातां नूं कयाम फरमांदे ने ते सजदे करदे ने। इश्क भावे मजाजी होवे या हकीकी होवे, महबूब रातों में मिलते हैं। और मेरे जुमले ते शबे मेराज गवाह है, मेरे जुमले ते शबे बरात गवाह है, मेरे जुमले ते शबे कद्र गवाह है। कि इश्क मजाजी होवे या हकीकी होवे, महबूब रातों में मिलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी दसिया कि जिन्हें रब नाल मुलाकात की, रब का कुरब पाया, उन्होंने रातां जाग के पाया। इकबाल ने आख्या सी को कुछ भी हो जाए, किसी भी मुकाम ते पहुंच जाए, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहर गाही। जब तक सहरी वेले उठ के अपने मालिक दी या बारगाह विच झुके ना तो रोवे ना, कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इस आयत मुबारक दे अंदर रब ताला ने औलिया दी यही सिफत बयान फरमाई, फरमा वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। जिन्हां दियां रातां अपने मालिक की याद च कयाम ते सजदे की हालत च बीत जांदियां ने। अज मैं उन ही अफराद चों जिन्हां दियां जिंदगी दियां रातां अपने मालिक की याद च बीतियां, एक शख्सियत का जिक्र करना है। हाज़री ने मुतशम कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह मैनू और तुहानू बार बार जागण का हुक्म दे रहा है। जागण की अल्लाह करीम सानू बार बार तलकीन फरमा रहे कि रात जागो, सिफतां भी जागण वालियां दियां। अज का नौजवान चौक च खलो के सारी रात जाग लेंदे, फैक्ट्री च ओवर टाइम लगाना पवे, रात आसानी ना जाग लेंदे। अल्लाह ना करे घर च बीमारी होवे ते बंदा हाय करके सारी रात जाग लेंदे। घर च मेहमान आ जावन, सर्दियां दी लंबी रात इंसान जाग लेंदे। कारोबार च घाटा पैजे, रात नींद नहीं आती। अल्लाह फरमाता के बंदिया तू कारोबार लिए जाग लैने, यारां लिए जाग लैने, अंग साखत रिश्तेदारां लिए जाग लैने। अल्लाह फरमाता के रिश्तेदारां लिए भी जाग लैने, दोस्त अहबाब लिए भी जाग लैने, बीमारी लिए भी जाग लैने, सारे जग लिए जाग लैने, कदे रब लिए भी जाग गया, कदे मेरे लिए भी जागना। एक रात मेरी मर्जी की गुजार, सारी जिंदगी दी रात ते अपनी मर्जी दी गुजार लैना। एक रात मेरी मर्जी की गुजार जा, फिर जिंदगी तेरी ते खत्म हो जाए, मगर कयामत तक मेरा कुरान तेरे जगराते की सिफत करता रहेगा। अल्लाह ने बार बार और सूफिया ने भी सानू बार 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 जगराते का हुक्म दिता। पढ़ा कुरान जगराते की सिफत। बाबा जी बड़े डाढ़े ने माशाल्लाह टाइम ला ही लिया मेरे को, तो जिस तरह भी ला लिया, मैं चुके एक होर महफल से भी पहुंचना है।
इन्हां दी मुहब्बत लधे वाले भाई मोहसिन साहब अपना पूरा काफिला डस्के तो लैके आए जिन्हां दी विसातत और मारिफत नाल टाइम मैं तुहाडी ज़ियारत लई हाज़िर हाँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत दा सादा हा शुक्र है कि मैनूं रब ताला ने सादत नसीब कीती कि मैं भी हुज़ूर दे ज़िक्र दी महफिल च हाज़िर हाँ। हुण इन्नी सुभान अल्लाह मैनूं दे दिओ कि मेरा दूसरी महफिल ते जान तक गुजारा हो जाए। माशाल्लाह एक कोशिश होर करो भला, मैनू पूछने की लोड़ तो नहीं वैसे, मगर ग्यारहवीं शरीफ लंगर से होएगा मेरा ख्याल यकीन होएगा। सच्ची दसो हूँ सुभान अल्लाह बन देखो ना भाई, उन्हें आख्या लंगर है थोड़ा जहा लंगर वैसे गरु भी खा के आया करो बंद सुभान अल्लाह कह जोगा हो जाता है। जिदी अम्मी ने दसिया ना कि पुत्रा मैं तेनों सारी जिंदगी मुस्तफा दे लंगर से पालिया, वह सुनी मां का पुत्र बोले सुभान अल्लाह। बुकला खोल लवो ते अपना ते नाल दे दा हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। गूंज पा दियो मस्जिद दी दीवारां ते फिजामा गवाह हो जान किते हजूर दी ग्यारहवीं शरीफ खान वाले गौसे पाक दा जिक्र सुन के सुभान अल्लाह कह के गए सन। मैं दुआ करना उलमा आमीन फरमान कबूल हो जाए। या अल्लाह जेड़ा सारे तो उच्चा बोले इस साल अपनी अम्मी नाल हज करके आवे, हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले वह रमजान शरीफ च अपने अबू नाल उमरा करके आवे, हुण जिहड़ा इस तू उच्चा बोले अज रात सौवें ते खाब विच मदीने दा ताजदार तशरीफ लैके आवे, ते तेरा की जांदा मौला जिहड़ा इस तू भी उच्चा बोले उहनूं अज जाग दे महफिल च हजूर गौसे पाक दी ते कमली वाले दी ज़ियारत नसीब हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह हुण काम इत्थे की रख्या जी भाई, फिर हौला बोलियो तुसीं उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करीब ने रिजा फरमाया अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह हकीम वकूदा अला जुनूबिहिम वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا। जिन्हों समझ आई हो बोले भला सुभान अल्लाह। इन तमाम आयात अल्लाह ने जागन वालों की सिफत की थी। फरमाया अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामा वो लोग जिहड़े अपने रब की याद करते हैं कदे खड़े होके वक़ऊदा कदे बैठ के वा अला जनूबिहिम कदे रातां नूं करवटां बदलदे आ, उन्हां नूं रात नींद नहीं आती वह करवट भी बदलने ते अल्लाह की याद उन्हां नूं सौण नहीं देंदी। मेरा दिल करता मैं इन तमाम याद का तर्जमा हजरत सखी सुल्तान बाहुकुल करवा के देव। मैं थोड़ी सुभान अल्लाह दरकार है, जिन्ना जल्दी बोलोगे मैं उन्नी जल्दी तुम्हें तकरीर वाले पैंडे पा लवाना। अगर सिर्फ आयते मुबारक से बहस करिए सारी तकरीर होनी है, मगर मैं गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की अजमत इस आयते मुबारक के तहत अर्ज करनी है। पीरे बाहू ने तर्जमा इंज फरमाया नींद नयावे इतने बहुत हैरानी يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ترجمة ابن داي إراتي رتي أنني دنيا بي दिने बहुत हैरानी हो आरिफ दी गलिया रब जाने की जाने
नफसानी कर इबादत कुछ हासिल थी भी तेरी जाया गई है जबानी हूँ मैं कुर्बान इनावा थी बाहों जिन्ना मिले पीर जिला मैं कुर्बान तिना थी बाहू जिन्ना मिले पीर जिला नहीं हूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया लोग जेडे अपने रब की याद च रातां नूं कयाम ते सजदे च बिता दें गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हीं औलिया विचों ने जिन्ना ने अपनी जिंदगी दी रातां मुसल्ले ते जाके गुजारियां तकरीबन 40 साल आपने इशा दी नमाज दे वजू दे नाल फजर दी नमाज पढ़ी है यानी जड़े वजू दे नाल आपने इशा दी नमाज पढ़ी उसे ही वजू नाल फजर दी नमाज पढ़ी जिंदगी दी 40 साल दी रातां मुसल्ले ते गुजर गईयां वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुजदं व क़ियामा मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने राती कत्तां ते राती तुम्मां ते मैं राती ताना लावां एक तंद जे कवलड़ी पै गई मता मालिक मूल ना पावां ते बाबा बुल्ले शाह ने भी फरमाया कि उठ जाग कराड़े मार नाहीं ए सौन तेरे दरकार नाहीं बाबे बारिश शाह ने भी आख्या कि रे रात दा जागना बहुत औखा एक जाग दा पहरेदार राती एक जाग दा चोर सन खातर दूजा जाग दा यार दा यार राती एक जाग दा इश्क दी मर्ज वाला दूजा जाग दा खास बीमार राती बारिशा मियां सबे सौ वेंदे एक जाग दा परवरदिगार राती ते बाबा फरीद ने भी फरमाया उठ फरीदा सुतिया ते झाड़ू दे मसीत तू सुता ओ जागता तेरी डाढ़े नाल परीत पता लग्या कि सूफिया ते बुजुर्गां ने दीन ने भी सानू जागन दा प्रोग्राम दस्या कि जागो भाई जागो ए पहरेदार होंदा ना तेरे रात नूं जिहड़े बुजुर्ग ने ना देखिया पुराने दौर च एक हाथ च लालटेन होंदी सी एक हाथ च डंडा ते उहने डंडा खड़का के कहना जागते रहियो जागते रहियो जागते रहियो पता चलिया कि पहरेदार का काम होंदा कि कौम नूं जगा के रखे जिहड़े दीन दीआं सरहदां दे पहरेदार ने ना उन्हां भी दस्या कि जागते रहियो उठ फरीदा सुतिया ते झाड़ू दे मसीत तू सुता ओ जागदा तेरी डाढ़े नाल परीत अज मैं गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा तज़किरा साहित्य मुबारक दे तहत करने याद रखिएगा किसी की अदमत देखनी होवे ते या उहदे दादके वेखी देने ते या उहदे नानके वेखी देने इंसान दी देखी दीए इहदी नसल किवें दी इहदी बरादरी इहदी पुश्त इहदे आबाउ अजदाद किवें दे सन गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नानकियां वालों इमामे हसन दे इमामे हुसैन दी औलाद ने ते दादकियां वालों हजरत इमामे हसन दी औलाद ने इस वास्ते आप नूं हसनी हुसैनी सैयद किया जा रहा है गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दादके भी वली ते नानके भी वली आओ एक गल दादकियां दी एक नानकियां दी एक अम्मी ते एक अबू दी ते एक गौस पाक दी ते बस गौस पाक दा तारुफ करा के मैं इजाजत चाहवां जी दाद के भी आला ते नान के भी आला गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी फुफो जान हजरत सैयदा आयशा रहमतुल्लाह अलैहा बहुत बढ़िया वलिया कामिला सन बगदाद च बारिश नहीं हो रही ते लोगों ने बैठ के इरादा किया कि ओ ओ सैयदा दा घर है ते उत्थे इक सैयदादी इबादत गुजार है माई साहबा नूं अर्ज करिए कि दुआ करो कि बारिश आ जाए बगदाद दे लोग कठे होके इज्जतदार मौज़ज़ीन इलाके दे कठे होके हजरत सैयदा आयशा गौसे पाक दी फुफो को लाए अर्ज की थी हुजूर तुसी वलिया कामिल आओ ते सैयदादी हो ते बारिश नहीं हो रही ते दुआ करो बारिश आ जाए जामिया मस्जिद फारूकिया दे दर बैठन वाले और बदवे गौसुल वरा दे तमाम अरकीन
ਇਹ ਬਾਤ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਔਖਾ ਤੇ ਪਾਰਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਹ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਬੂਬੇ ਆਏ ਤੇ ਜਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਬੂਬੇ ਆਏ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਗਵਾਏ ਵਾਈ ਦਿਸ ਤਸਕਾ ਮੂਸਾ ਲਿਕੌਮ ਹੀ ਫਕੁਲ ਨਦਰ ਬਿਆਸਾ ਕਲ ਹਜਰ ਫਲ ਫਜਰਤ ਮਿਨ ਹੁਸਨਤ ਅਸ਼ਰਤ ਆਇਨਾ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਹੀ ਆਏ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤਾ ਕਰੋ ਆਪਨੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਪੱਥਰ ਚੋਂ 12 ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾ ਚ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡੂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਪਿਆਸੇ ਮਰ ਚੱਲੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਦੁਆ ਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਯਕੀਨਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡੀ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੰਨੇ ਹੀ ਮੰਨੇ ਦੁਆ ਕਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾਏ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਤੈਯਬਾ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਉਠਾਏ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਖਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੋਲੋ ਹੋਏ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਤੇ ਛਾ ਗਈਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਫਰਮਾਦਰ ਜੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੇਰੇ ਅਜੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਅਨਵਰ ਤੇ ਫੇਰੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਚ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਟਪਕਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਦੀ ਤਾੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਚ ਉਹ ਕਤਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਫਤਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਤਵਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੁੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੁਮਾ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਗਲਾ ਜੁਮਾ ਆ ਗਿਆ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਮਿੰਬਰੇ ਰਸਾਲਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪਿੰਡ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ ਅਰਧ ਕਰਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਚੱਲੇ ਸਾਂ ਹੁਣ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਮਰ ਚੱਲੇ ਸਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਜਾਂ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਬੁਬੇ ਆਏ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਜ਼ਲ ਬਰੇਲਵੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਰੇਲੀ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਇੱਕ ਮਜਜ਼ੂਬ ਵਲੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦੀ ਮੂਸਾ ਸੁਹਾਗ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੂੜੀਆਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਜਜ਼ੂਬ ਵਲੀ ਸਨ ਬਰੇਲੀ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦੀ ਮੂਸਾ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਕਰੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਕੜਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਜ਼ਲ ਬਰੇਲਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੈਂਡੇ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇਸੇ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਇਸੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਸ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਇਸਤਿਸਕਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਫਿਰ ਨਾ ਆਈ ਬੁਸਤਾਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾ ਅਚਾਨਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਕੀ ਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਦੋ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕੀ ਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਮੰਗਾ ਰੱਬ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਬਾ ਯਜ਼ੀਦ ਬੁਸਤਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਏ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਭਰ ਡਿੱਠਾ ਸਾਂ ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਤੱਕ ਲਈਆਂ ਤੂੰ ਮਿਲਿਓ ਤੇ ਸਾਜਨ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਆਸਾਂ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਔਖੇ ਬਾਰੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦੀ ਫੁੱਫੋ ਜਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋ ਆ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਠਹਿਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਨੇ ਝਾੜੂ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਬੜੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ੀਨ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਆਏ ਨੇ
मेरे नाने दी उम्मत आई है। अर्द कर दिया ने या अल्लाह मैनू अपनी रातां दे जगरातियां ते मान नहीं, मैनू अपनी इबादत ते भी मान नहीं, अज मेरी लाज रह जाए। अर्ज की या अल्लाह दुनिया बड़िया उम्मीदा लग आई है, ये झोली फैला के अर्ज कर दिया नीली छत वालिया, मैं बारिश नहीं मंगती कि कोई अर्ज करनी आ, झाड़ू मैं दे दिता है तरौका तू ला, झाड़ू मैं दिता तरौका तू ला दे। बगदाद दे लोग कहंदे ने कि अजे असी घर च नहीं पहुंचे थे, इनी बारिश हो रही सी कि बगदाद की गलियां च गोडे गोडे पानी पिया फिरदा सी। दाद के भी आला एक गल नान कहंदी सुना दे मां, थोड़ा जा हौला बोलो भाई, बार आवाज नहीं जानी चाहिए, थोड़ा होर हौला बोलो तुहानू नजर ना लग जाए। ये जिहड़ा मैं बार बार कह रहा ना, हाथ खड़े कर लो, हाथ खड़े कर लो, मैं मिंबरे रसूल तो बैठा, मैं कसम मिंबर वाले रसूल दी, तुहाडे हाथ खड़ा करन च मेरा कोई फायदा नहीं बिल्कुल भी। मैं बार बार कहना हाथ खड़े कर लो, दी एक ही वजह है कि सूरह यासीन ने अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अलयौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह फरमांदा कयामत नूं जुबान ना बंद हो जाणगियां, हाथ बोलणगे। जिहड़े मोबाइल नौजवान इस्तेमाल करदे हो सोच समझ के इस्तेमाल करिया करो, कियामत नूं हत्थां ने बोलना जे। पर मेरा जी करदा जदों कियामत नूं अल्लाह मेरे और तुहाडे हत्थ नूं पुछे कि बंदा सारी जिंदगी तेरे नाल की करदा रहा, ते हत्थ कवे या अल्लाह माफ कर दे जो भी करदा सी, पर जदों कमरी वाले दा नाम आउंदा सी मैं उच्चा हो के सुभान अल्लाह कहदा सा। इस हाथ नूं बख्शे दा वसीला बना के बोलो सुभान अल्लाह। आरबे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, दाव तक नानक दादक नानक ए वल्लों उच्चा ए सच्चा हसबों नसबों ए नबिया नालो घटना रे ओ हर सिफ तो हर बसबो ए नबिया नालो नबिया नालो घटना रे ओ हर सिफ तो हर बसबो। मियां साहब ने इरशाद फरमाया, दाद के भी आला ओदे नान के भी आला, आप फरमाते ने दादक नानक ए वल्लो उच्चा ए सुचा हसबो नसबो ए नबिया नालो घटना रे ओ हर सिफतो हर वसबो। गौसे पाक दे नाना जान उन्हां दा नाम सी हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्ला अलैह, सैयदजादे सन इमाम हुसैन ने पाक दी औलाद पाके जो मुस्तजाब उद्दाबात वली सन, यानी आप दी हर दुआ कबूल होती सी। गौसे पाक बचपन च यतीम हो गए ते मां नान के लै गए, जाके नाने दी गोद चढ़ा के कहन लगी मेरा पुत्र यतीम हो गया तेनू पालो। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला नूं बचपन च ही अपने नाना जान दी किफालत दे अंदर आ गए। नाना जान हुंदोतरे दी तरबियत भी फरमा रहे ते पाल भी रही। गौसे पाक एक दिन अपने नाना जी दे हुजरे दे बाहर बच्चियां नाल पे खेलदे ने, ओ किड्डे अजमत वाले बच्चे हो जिन्हां दा यार गौसे पाक हो गए। गौसे पाक दा खेड भी कुछ इंज दे सन, एक दिन बच्चे काफिरां दे आके कहण लगे आ अब्दुल कादर खेडिए, ते आप हंस के फरमा लगे मैं कोई खेडन आया,
बच्चा ज्यादा मिन्नत की सोहना ही बड़ा सी ना भाई वो किन्ना को सोहना आवेगा जेड़ा हसनी भी होवे ते हुसैनी सैयद भी होवे बच्चे कह लगे आ जरूर खेलना आपने फरमा फिर खेल मेरी मर्जी का खेलेंगे हजूर किवें आपने फरमा चलो बाजार च खेडिए ते मैं पढ़ांगा ला इलाहा इल्लल्लाह तुसी आख्या जे मुहम्मद रसूलुल्लाह बाजार दे एक तरफ तो बच्चे नु लेके नारे कलमा तैयबा दे लगांदे जा रहे जदों आप बाजार दे दूसरी तरफ गए ना जुदा खेलते थे बच्चे उस पाक बार पे खेलते थे अचानक एक औरत आई उस पाक ने वेखना रोजाना लोग आंदे ने मेरे नाना जी को दुआ करवांदे औरत ने गोद च बच्चा उठाया ओदे चेहरे ते कपड़ा देके माई रोंदी रोंदी ना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला नु दे नाना जी दे हुजरे च गई थोड़ी देर दे बाद औरत रोंदी बाहर निकली गौसे पाक दी निगाह है उठी ना ते आ माई वल वेख के दौड़ के करीब जाके फरमान लगे बीबी जरा ठहर ना मैं ते वेख्या कि इस बाबे दे कोल जद भी कोई रोंदा आया है हसदा ही गया है अज पहली बार एक रोंदा आया ते रोंदा ही जा रहे रोई क्यों है माई कह लगी मैं बच्चे की दसा मेरा बच्चा बीमार हो गया मेनू किसी ने दस बाबे को जाके दुआ करवा कह लगी मैं बाबे दी बार गज पुत्र लखी आई हूं अर्ज की बाबा जी मेरे बच्चे लिए दुआ करे आज बाबा जी ने समान वाल वेखिया फरमान लगे बीबी ले जा लोहे महफूज ते तेरे पुत्र दी जिंदगी कोई नहीं अजे बाबे ने ना कहा मेरा पुत्र मर गया है ते बीबी कह लगी वे बच्चे लोग खाली जोलियां लेके आंदे ने इत्थों भर के जांदे ने मैं ते भर के लेके आई सानू टा बैठी हूं उसे पाक ने वेख्या माई रोई जा रही आ फरमान लगे माई रोना जा जा के बाबे नो कह दे के बाबा उथे ही जिंदगी लिखी होंगी तेरे कुल की लैन तेरे कुल की लैन आना सुन्नी मां का पुत्र बोले सुभान अल्लाह बाबा उथे जिंदगी लिखी होंगी मैं तेरे कुल की लैन आना बीबी दे गल दिल नूं लगी माई वापस थोड़ी ना हुजरे वास्ते गौस पाक फरमांदे ने बीबी तेरा दो घड़ियां ठहरना माई रुकी त्या फरमान लगे एवें भाई बाबे ते इल्जाम लगाई जानी होवे तेरा पुत्र ते पिया हिलदा माई ने इना सुन के जो कपड़ा पुत्र तू हटाया ते वेख्या पुत्र पिया खेड और जल्दी ना रुजरे च आके कह लगी बे पापा तू दे आख्या सी मर गया मेरा बच्चा दिंदा हो गया गौसे बाग दे नाना जी लोहे महफूज वाल वेखे आओ ते बच्चे दी बड़ी लंबी जिंदगी लिखी आई फरमाते ने बीबी मेरे हुजरे चु बाहर निकल के कीता की आओ कह लगी मैं ते कुछ नहीं कीता एक सोना जा बच्चा ही मिले है नाना जी समझ गए मेरे पुत्रे दा कमाल अपनी छड़ी पकड़ के बाहर आए ते गौसे बाग नु कह लगे ठहर जा मैं तेरा इलाज करना ते गौसे बाग अगे अगे नाना जी पीछे पीछे जा रहे गौसे बाग कहते ने लोगों मेनू नाने खुल बचाया दे उसे बाग दौड़ के कब्रस्तान चले गए फरमाते ने कब्र वाले हो नाने खुल बचाया दे कब्र चो मुर्दिया निकल के गौसे बाग नु घेरा पा लिया गौसे बाग दे नाना जी ने जदू तो तेरे दी शान वेखी अपनी छड़ी सुट के फरमान लगे आजा नाने दे सीने लग जा मैं मारन नहीं साया मैं ते समझा नहीं आया सा एडी छोटी उम्रे रब दे राज नहीं खोली नानक वालों उच्चा फरमाया मारन नहीं आया मैं ते दसन आया कि छोटी उम्र रब दे राज
जेडे महरम राज हकीकतां दे और राज हकीकत खोल दे नहीं जिन्ना नहीं वेख्या ओ करन गल्लां जिन्ना वेख लाए ओ तां बोल दे ही नहीं। दाद के भी आला ते नान के भी आला। हुण गल सुणावां आपदी अम्मी ते अबू दी। वैसे मैं जो दो पिछली बार गुजरां वाले आया सा को तकरीबन 15-20 दिन पहले मैं तुहानूं इंज दा ते नहीं सा छड़ के गया भाई। अजे मस्त ना होवो जे मैं शुरू होया। अजे बड़ी लंबी तकरीर अगे वे होर उच्चा उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। शेख साहब जी फरमांदे ने कि ऊंट मस्ते होवे ना ते एक मन दी बजाय दो मन पार चुक जांदा है। इश्के रसूल दी मस्ती जी बोली जाओ सुभान अल्लाह। आप दे वालिद गिरामी दा नाम हजरत सैयदी अबू सालिम मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह। मूसा ते आप दा नाम मगर जंगी दोस्त इस वास्ते किया जांदा है कि आप नूं चूंकि जिहाद ते जंग नाल बड़ा प्यार सी। दिन रोज़ा ला के जिहाद करदे ते रात नूं कयाम फरमांदे सारी सारी रात 1-1 हज़ार नकात नमाज नफल पढ़ जांदे। दिन रोज़ा ला के आप जिहाद करदे सन। एन अफतारी दा वेला ते एक दरिया या नहर दे किनारे जा रहे थे अफतारी करनी सी ना रोजे दी ते आपने वेख्या कि सेब रुड़दा जा रहे। आपने सेब पकड़िया ते खा लिया। तो तुसां ए सुनिया भी मगर मैं अपने अंदाज़े च वाकई अर्ज कर रहा। सेब खा लिया रोजा अवतार करके ते ख्याल आया कि सेब ते खा लिया ते तू सही ज्यादा है ते मालिका नूं पुछ के खा दे। आते लोग अरबां खरबां खा जांदे ने ते ख्याल नहीं कदे आया। बाबा जी ने इको सेब खादा ते ख्याल आया कि मालिक नूं पुछ के ते नहीं खादा। अज लोग यतीमा दा माल हड़प कर जांदे। अज लोग गरीबां दी दौलत ते कब्जे कर जांदे। कदे ख्याल नहीं आया कि मैं बगाना माल खा रहा माले मुफ्त दिले बेरहम। मगर आओ मैं तुहानूं दसां जिहड़े वली होंदे ना हजरत इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह। आप एक अनार दे ते अंगूर दे बाग च कम करदे सन गुलाम सन। तवज्जो है भाई साहिब हिलियतुल औलिया अलमा अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि हजरत इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह मुल्के अलख दा ताजदार सी। मगर आप जब गुलाम बने थे आप एक बाग च कम करते अंगूर ते अनार दा बाग सी। एक दिन मालिक बाग दे अंदर आया। ये वाकया मैं दो बुजुर्गों के बारे पढ़े। मालिक बाग च आया। एक ते वाकया मैं पढ़े हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रजी अल्लाह तआला दे वालिद गिरामी दे मुतल्लिक। एक हजरत इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह दे मुतल्लिक कि आप दा मालिक एक दिन बाग च आके कहन लगा कि मैनू मेरे बाग दा थोड़ा फल चखा ना। हजरत इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह ने अनार ते अंगूर पेश किए। उन्हें अंगूर खाते थे वो भी खट्टे थे अनार भी खट्टे। मालिक बोल के कहने लगा इतनी देर कुदर की तेनों मेरे बाग च कम कर दिया। अजे तक तेनों पता नहीं चलिया किड़े बाग दा किड़ा पौधा है कि जिदा फल खट्टा है कि दा फल मिठा है। अज मैं फल खान आया तो मैंने फटे खाप खटे फल पिया खिलाना है। हजरत इब्राहिम बिन आदम ने उस वेले मालिक नु जवाब दिता फरमान लगे मैनु की पता केड़ा खट्टा केड़ा मिठा है मैं कदे खादा ही जो घर आके बोरियां खोलियां ते विच दो कीड़ियां चिंटी चिंटियां नूं छड्डन फिर दोबारा गए चिंटियां छड्डन तुर गए। उन्हें बेगाना माल ले लिया। अगर तुसी अपनी औलाद नूं हराम खिला रहे हो याद रखे जे कि
ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੰਗੂਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਜੌ ਬੀਜ ਕੇ ਕਦੇ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਉੱਗੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਵੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਤੇਲ ਡਾਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਲੁਕਮਾ ਡਾਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਕੜੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹਲਾਲ ਡਾਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਕਦੇ ਤੇਰੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰਾਮ ਨਾ ਖਾਇਆ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਕਲੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ, ਇੰਜ ਰੋਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਰਹਮੁਰ ਰਾਹਿਮੀਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ? ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੂਸਾ ਇੱਧਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਲੇਜਾ ਤੇ ਪਿੱਤਾ ਵੀ ਫਟ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ, ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਦਾ ਲੁਕਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਫਲਾਂ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਫਜਰ ਦੀ, ਮਗਰ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਆਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੇ, ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਆਏ ਨਾ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮਗਰ ਦੁਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਇਜਤਮਾਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਹਦੀਸੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਤਮਾਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਦੀਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਦੀਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ, ਜੀ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਸਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਸ਼ਾਖਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲਟਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਖਜੂਰਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਲਦੀ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਨਾ ਖਾ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਖਜੂਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਏ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਧਰੇ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਨਾ ਖਾ ਲੈਣ। ਆਸੀ ਤਰਬੀਅਤ, ਸਿਰਫ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ 11ਵੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਜਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰੀਓ ਜ਼ਮਾ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਬਕ ਹੈ 11ਵੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਯਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਾਫਲ। ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਪਾਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆਲੇ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਬਾਫਲ, ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਮਲ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ ਚ ਮਾਫਾ ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਦਾ ਲੁਕਮਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਦਕੇ ਦੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਸਨ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ 'ਚ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦਾ ਬਚਪਨ, ਆਪ ਰੇੜਦੇ ਰੇੜਦੇ ਖਜੂਰਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਡਾਲੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਚਪਨ ਅਜੇ ਆਪ ਦਾ। ਰਸੂਲ ਅਰਬੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਡਾਲ ਕੇ ਖਜੂਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਥੂ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾ ਹਸਨ ਪੁੱਤਰਾ ਥੂ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਸਦਕੇ ਦੀ ਖਜੂਰ ਖਾ ਲਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਦਕਾ ਖਾਣ? ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ। ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਤੈਯਬਾਤ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਰੂਫ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਗਿਰਾਮੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਜੰਗੀ ਦੋਸਤ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈ ਨੇ ਸੇਬ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਤਸਾਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਰਮਾਇਆ, ਮਾਲਿਕ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਖਾਧੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ।
जिधर पानी आ रहा उस तरफ चल पे देखा जाके कि राह एक सेबां का बाग है चंद टहनिया दरिया या नहर च लटक रही। ख्याल आया कि इसे टहनी नालों टुट के सेब गया होगा, पता की तम बाग का मालिक कौन है, पता चलिया कि हजरत अल्लाह के वली हजरत अब्दुल्ला सोमली रहमतुल्ला अलैह जरा हसनी सैयद है उन्होंने बाग है। नौजवान सन जाके बाबा जी के सामने हाथ जोड़ के अर्ज की, हजूर मैं सेब खा बैठा तो बाग का बगैर पूछा तो माफी लैन आया। बाबा जी ने जो वेख्या कि अज के दौर च एडा चंगा नौजवान एक सेब खा के ते माफी लैन आए, सैयद ने सैयद ने वेख्या, वली ने वली ने वेख्या ते पहचान गए। ख्याल आया कि होवे ना तेनों करीब ही ना रख लवान, आप फरमान लगे पुत्र बेगाने सेब खाइए तो माफियां एवें नहीं लभ जांदियां। अर्ज की हजूर की करना पवेगा, ते बाबा जी बोल के फरमान लगे जेडे बाग दा सेब खादा ना छे साल इस बाग दी गोडी कर, अज ते दम दा दम ना तोखा ना गम कमाएगी दुनिया खाएंगे हम, है ना। मेरे आका अलैहि सलाम ने एक दिन साहबा नूं फरमाया दसो साहबा मुफलिस किनू कहंदे ने, गरीब किनू कहंदे, मुफलिस कौन होंदा। साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह मुफलिस साडी नजर च ओह होंदा जिहदे कोल दुनिया दी दौलत ना होवे। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आओ सहाबा तुहानू मैं दसा मुफलिस किनू कहंदे ने। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया मुफलिस ओह होंदे सारी जिंदगी नमाज रोजा हज ज़कात सारे अमल कमा के क़यामत दा दिन आ गया ते किसे दा हक मारिया होवे, क़यामत नू हक वाले उठ के खलो जन साडा हक दे। अल्लाह फरमावे दे इन्हां दा हक, आखे या अल्लाह मेरे कोल कुछ नहीं, अल्लाह फरमाए अपनियां नेकियां इन्हां नू दे दे। मेरे नबी ने फरमाया ओहदियां नेकियां सारियां हकदारां नू दे दित्तियां गईयां, ओहदे नेकियां ते खत्म हो गई मगर हकदारा का हक अजे भी बाकी है। अल्लाह फरमाएगा दे इन्हां दा हक, आखेगा या अल्लाह मैं ते नेकियां भी दे बैठा, अल्लाह फरमाएगा नेकियां कोई नहीं ते उन्हां दे गुनाह इन्हों दे दियो। सारी जिंदगी नेकियां करके नमाज रोजा हज ज़कात अमाले सालेह करके ते कयामत नूं दोज़ख च जा रहा, क्योंकि हकदारा का हक खा के गया। मेरे नबी ने फरमाया होवे मुफलिस असल गरीब होवे जड़ा अपने हक मार के किसी देते अपनियां नेकियां दे के ते अगलियां दे गुनाह लेके दोज़ख च जा रहा। गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला ने होदे वालिद गिरामी अर्ज की, बाबा जी सेब दी माफी दियो, छे साल गोडी करन लई मैं हाजिर हां, छे साल गोडी करके जड़े वेले दोबारा बाबा जी दे कोल आए अर्ज की, बाबा जी हुण ते सेब दी माफी दे दे आ जाए। बाबा जी फरमान लगे पुत्रा ना ना अजे माफी दा वेला नहीं आया, छे साल होर गोडी कर, बारह साल सेब दे बागा दी गोडी करदे रहे, बारह साल दे बाद अर्ज की बाबा जी हुण माफी दे दियो। आपने फरमाया एक शर्त ते माफी देवांगा, अर्ज की हजूर इत्थे ही माफी दियो, जिहड़ी शर्त कहंदे हो कबूल है, कयामत में मेरे कोलों तुहाडा हक अदा नहीं कीता जाना। अर्ज की लजपाला आप दी शर्त की है, फरमाया मेरी एक बेटी अखा तू नबी नी है, कन्ना तू डोरी है, जबान दी गोंगी है, हाथ भी फालज जदान है, ओ पैरां तू भी लूली लंगड़ी है, ओ दे नाल कदे शादी कर लवे ते मैं सेब दी माफी देवांगा। हाथ जोड़ के अर्ज की लजपाला जे कदे इंज भी माफी मिल जाए ते सौदा महंगा कोई, मैं कबूल करना जी मैं शादी करने लिए तैयार हूं। बाबा जी ने नकाब पढ़ दिता। शाम ने जब सैयदादा हुजला और उसी के अंदर गए ना दुल्हन के कमरे च गए ना ते जाके वेख्या ते अंदर ते एक बड़ी खूबसूरत नौजवान सैयदादी बैठी दुल्हन बन के, आप दौड़ के बाहर आए, कह लगे बाबा जी मेरी बीवी ते नहीं। फरमा क्यों, अर्ज की हुजूर जड़ी तुसा निशानियां दसियां उहदे च एक भी नहीं। आप लीड़ी जा फरमाया पुत्रा मेरी बेटी है, उन्हें अखां दे नाल सारी जिंदगी कदे गैर मर मर्द नहीं वेखिया, उन्हें सारी जिंदगी कदे गाने फिल्मां नहीं वेखिया, इस वाह ते मां कहे सी मेरी बेटी गुनावां तू नबी नहीं है, उन्हें कन्ना दे नाल कदे गाने नहीं सुने, इस वाह ते मां कहे सी कन्ना तू गुनावां तू भी उपटोरी है,
ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਦੀ ਐ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਗੂੰਗੀ ਐ ਉਹਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੂਲੀ ਤੇ ਲੰਗੜੀ ਐ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਇੰਜਦੀ ਹੋਵੇ ਬਾਪ ਇੰਜਦਾ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਜੰਮਦੇ चादर वाली मां वापस आ जाए ना फरीद ते दूजा नहीं आना फरीद का कोई गुलाम ते आवे ही आवे को मां ते उंज दी लियाओ को मां ते उंज दी लियाओ अज मामा बेपरदा हो गई पुत्र डकैत पैदा हो गए मां होवे हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी दी मां वर्गी आला हजरत मलफूजात फरमाते ने हजरत ख्वाजा हमीद नगौरी रहमतुल्लाह अलैह जदों आप नूं कुरान मजीद पढ़ाना है ना ते सवा चार साल की उम्र सी हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी दी चार साल चार महीने चार दिन सूफिया के घर का मामूल है जब बच्चा चार साल चार महीने ते चार दिन का होवे तो दी रस्में बिस्मिल्ला करवाते हैं किसी आलिम नो किसी वली नो बुला के बच्चे बिस्मिल्ला पढ़ा के कुरान शुरू कराते हैं आप दी जो रस्में बिस्मिल्ला हुई ना ते ख्वाजा हमीद नगौरी रहमतुल्लाह अलैह जब बिस्मिल्ला पढ़ाई तो हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी 16 सिपारे जुबानी सुना देते 16 जुबानी सुना के चुप किए तो हजरत ख्वाजा हमीद नगौरी फरमाते हैं पुत्र अगे भी पढ़ अद की मैंने 16 ही आते हैं फरमाया पुत्र जे तू 16 ही बस किते बाकी भी कर लेने सन अर्ज की हजूर मेरी अम्मी नू 16 ही जुबानी आते हैं जिस दिन का मां के पेट च आया सा मां रोजाना हर काम कर दिया रोजाना 16 सिपारे की तिलावत जुबानी कर दी सुन सुन के 16 मां के पेट च हिफज हो गए सन जे मां गाना गावे तो पुत्र ने डांसर ही बनना जे मां कुरान पढ़े तो पुत्र फिर हाफिज कुरान ही पढ़ेगा ना लिहाजा जो तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी औलाद फरमा बरदार हो जाए मैं तुम्हें एको ही कुलिया दस जावा जाओ लखा करोड़ों रुपये लगा के अपनी औलाद को तालीम दिलवा लो अपने बच्चों बेकन हाउस बलूम फील्ड हाल सिटी स्कूल अलाइड पढ़ा कितने भी पढ़ा के देख लो हजारों से लखों रुपये फीस महाना अदा करो जो तुम चाहते हो ना मेरा पुत्र मेरी औलाद मेरी फरमा बरदार हो जाए तो एको ही कुलिया है अपनी औलाद को अपना फरमा बरदार ना बनाओ कदे नहीं बनेगी औलाद नूं मदीने वाले दा फरमा बरदार बना दिओ तुहाडी आप ही फरमा बरदार हो जाएगी जिहड़ा बाप सवेरे 9 बजे उठे उहदा पुत्र फजर दी नमाज बाद जमात पढ़ेगा लिहाजा पहले अपने आप नूं दुरुस्त करो जिहड़ा बाप सिगरट पीवे पुत्र जरूर पीवेगा खा छुप के पीवे अगर चाहते औलाद ठीक होवे पहले अपने किरदार दो अपने आप नूं अपना मुहासबा करो मां आटा गुण दी उठ के मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़े ना ते बेटी जरूर पढ़ेगी बेटी जरूर पढ़ेगी आरवे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने वल तुम्मे दी ए बुजुर्गों नूं पता है नौजवानों लई अर्ज कर रहे तुम्मा एक फल होंदा है बड़ा कड़वा ए पंसारी लोग कहंदे ने एडा कड़वा फल है कि पाँव के नीचे रखिए ना तो कड़वाहट गले च आ जाती है इतना कड़वा फल है मियां साहब मिसाल दे के परमंद ने वल तुम्हें दे भाई कौड़ी हुंदी
सने पत्तियां सने बियां जेड़े कम कमावन मामा सोयो कमो दियां तियां। हजरत साबित बुनानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताबईन है, हजरत अनस बिन मालिक दे शागिर्द ने। आप फरमाते हैं मैं एक दिन बाजार चो गुजर रहा तो मैं देखा एक चौक के अंदर एक नौजवान अपने बुढ़े बाप नु पिया मारे, लोग इकट्ठे थे छुड़ारे पर नौजवान अपने बाप नु मारी जांदा है। आप फरमाते हैं मैं ताबईन सा, लोग मेरी इज्जत ते इहतराम करदे। मैं करीब जाके उस नौजवान नु आख्या तेनू हया नहीं, ओए चौक च अपने बुढ़े बाप नु पिया मारने जालिमा, ते वडेरा जे बाप नाले मार खावे नाले रोवे ते नाले आखे मेरे पुत्र नु कुछ ना आख्या जे। मैं आख्या बाबा तेरे पुत्र ने तेनों मारिया ते तू कहना आख्या जे कुछ ना, ते बाबा कहन लगा मेरे पुत्र दा कसूर ही कोई नहीं, इसे चौके च कदे मैं भी अपने बाप नू मारदा हुंदा सां, अज मेरा पुत्र मैनू उत्थे ही पिया मारदा है। जे तुसी चाहंदे हो औलाद तुहाडा अदब ते इहतराम करे, अपनी औलाद दे सामने मिसाल बन जाओ, अपनी औलाद दे सामने अपने वालिदैन दी कदर ते इहतराम करो, तुहाडी औलाद भी तुहाडा अदब इहतराम करेगी। पहले वालिदैन दा दुरुस्त होना बड़ा जरूरी है। आइए गिरामी कदर हजरात, शादी होगी, अल्लाह ने पुत्र दिता, मां ने नाम अब्दुल कादिर रखा। बचपन च आपने तो याद के रोजा रखिया, रमजान शरीफ का महीना सी बगदाद के अंदर, शहरी वेले मां दा दूध पींदे ने ते मगरिब तो बाद पींदे ने, बगदाद च मशहूर हो गया कि सैयदां दे घर पुत्र पैदा होया रोजा रखता है। 29 रोजे हो गए ना ते बदल छा गए बगदाद दी फिजा उते, पता नहीं लगता कि सुबह रोजा है के ईद। लोग आख्या जाओ सैयदां दे घर पता करो, जे ते बच्चे ने दुध नहीं पीता फिर रोजा है, जे दुध पी लिया फिर ईद। ओ वली है जड़ा मादरजाद वली है, मां दे शिकम चो वली पैदा हो। इख्तिसार ना चंद अर्ज बात अर्ज कर देवा, आप बचपन च यतीम होए, नाना जी ने पालिया। एक दिन मां कहन लगी पुत्र आओ तेरे बाप का बैल है, आओ तेरे बाप की विरासत च खेत ने, जा पुत्र हल चला कमाई कर, आप भी कमा ते खा ते मैनू भी खिला। बैल लैके जो खेतों वाल टुरे ते राह विच बैल बोल पिया ते कहन लगा अब्दुल कादर गल ठीक है अम्मा दी, पर तू इस काम लई पैदा नहीं होया। घर लौट आए, आके अपनी अम्मी जी नूं अर्ज कीती, अम्मी जी मैनू इंज लगदा अल्लाह ने मैनू किसी होर ही काम लई पैदा कीता है, ते मैनू नाने दे दीन लई वक्फ कर दिओ। मां ने आख्या जा वे पुत्र जा, ओ बगदाद विच इल्म दा मरकज है, जा जामिया नजामिया च जाके दाखिला लै ते पुत्र कुरान हिफज कर ते आलम दीन बन। याद ना मारे 40 दिनार सी कि आखे जावे पुत्रा एक गल याद रखी, मरनो मर जाए कदे झूठ ना बोली। आसी मामा दियां तरबियतां, अज ते बाप पुत्र नु कहंदा जा पुत्र जेड़ा बाहर होया उन्हूं कहीं के अबू घर कोई नहीं है ना, ते बच्चा बाहर जाके कहंदा अबू कहंदे ने मैं घर। अपनी औलाद नूं झूठ दी तरबियत खुद ना दिओ। मां ने आख्या पुत्रा मर जावी झूठ ना बोली। जदों दरवाजे कोल गए ते मां ने आख्या अब्दुल कादर जरा मुड़ के वेख पुत्रा, आपने मुड़ के वेख्या ते मां कहन लगी अज आखिरी मुलाकात है, अज तो बाद तेरी मेरी मुलाकात नहीं होनी। मां बलिया सी ना, पता सी कि मेरे पुत्र ने जदों पढ़ के आना मैं दुनिया तो टुर जाना। आके मां दे सीने लगे, मां ने रोंदिया पुत्र नूं विदया कीता। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने आओ तरदा आओ तरदा हुन खाली खाने आए ते घर विच दखल मकाना महबूबानू विदिया करें दया ए मुश्किल बचे दिया जाना। गौसे पाक ने आके जामिया नजामिया च दाखला लिया, कुराने मजीद हिफज कीता। आप फरमाते ने मैं जेड़े वेले दरसे नजामी पढ़ रहा, फरमाते ने भुखा दे नाल मेरी हालत हो जाती है कि मैं गश खा के बेहोश हो जाना, कि लोग मैनू मुर्दा समझ के गुसल दे के कफन पहना के मेरा जनाजा पढ़न लगते ने, मैं कलमा पढ़ के उठ के बह जाता। परमात्मा मैं इंज दीन पढ़िया कि
के दरियाए दजला के किनारे ते लोग जदो सवेरे सवेरे मंडी वाले अपनी सब्जी धो के चले जाते जेड़े सब्जी के पत्ते बच जाते सन दरिया के किनारे मैं वह खा के गुजारा करता रहा एवं नहीं गौस पाक बढ़िया जाता इन्हें उलमा नु सलाम करया करो जड़िया टुटिया सफा ते बह के फिर भी मुहम्मद के दीन दियां राखियां करी जाते हैं जेड़े मदरसे की ताल खा के फिर भी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की राखी कर रहे हैं गौसे पाक रदी अल्लाह तआला ने फरमा देने कि मैं कुरान मजीद हिफज किया 9 साल का दरसे निजामी जामिया निजामिया च किया अपने वक्त के सब तो बड़े आलिम दीन बने आपने मदरसा बना लिया बगदाद के अंदर लोग अपने बच्चे दाखिल करा रहे एक दिन एक माई पिंड की आई पुत्र नु रख के ना सामने बिठा के कह लगी बाबा जी मेरे पुत्र नु कुरान हिफज कराओ गौसे पाक ने बच्चा दाखिल किया चंद दिन बाद मां का दिल किया पुत्र नु वेख के आवा मां आई ना 15-20 दिन के बाद वेख्या पुत्र ओ मदरसे दे विड़े च बह के ते सुखी रोटी दाल नाल खा रहा बच्चा कमजोर हो गया मां मां सी ख्याल आया कि मैं तो चूरिया खिला के पालिया ते 15 दिन च बाबे ने कमजोर कर दिता मैं पुछनिया ना बाबे नु मेरे बच्चे नु सुखिया रोटिया दाल नाल खिला रहे हैं माई गुस्से ना जदू गौसे पाक दे हुजरे दे अंदर आई आप मुर्गे दे ना रोटी खा रहे हड्डियां दे डे लगे आओ माई दा गुस्सा डबल हो गया कह लगी वे बाबा मैं ते चूरियां खिला के पाले आशी मेरे पुत्र नु सुखियां रोटियां दाल नाल खिलाना है ते आप कुकड़ पिया खाना है गौसे पाक ने कोई जवाब नहीं दिता ओ मुर्गे दियां हड्डियां कठियां करके हाथ पैर के फरमान लगे कुंबीज निलाल ओ कुकड़ पांगा देंदा उठ के बह गया फरमाया माई जा जाओ जदू तेरा पुत्र इस मुकाम ते पहुंचे फिर पावे दाल खावे पावे मुर्गे तो तेरा भी पुत्र इस मुकाम ते आवेगा फिर जो दिल करे खा ले गौसे पाक रदी अल्लाह तआला नो तवज्जो है ना वैसे आज तुसी सोच दो कि असि सानू आज केड़े पैणे पा लिया जी असि ते तकरीर कुछ होर सुनन आए सा पर क्या पूछते हो दर्द कहां होता है एक जगह हो तो बताऊं यहां होता है मेरे मुआशरे की हर रग ते दुख रही असि केड़ा केड़ा रोना रोइए मिंबर ते बैठ के अज मावा रोंदी है ते बाप कर लाउंदे ने जब मावा आके मैनू कहदी है ना असि सब तवीद लिख दियो मेरा पुत्र मैनू बुलांदा नहीं उस वेले मेरा कलेजा फटदा है कित्थों लियावां उह तवीद जिहड़ा पुत्र मां नू बुलावे ग्रामी कदर हजरात गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अनहो आप नु 11वीं वाला पीर इस वास्ते भी कहंदे ने कि आप चन दी पहली तारीख नु लोगां नु मुरीद बनांदे सन 10 दिन कोल रखना जदों चन दी 11वीं रात आउणी ना दिन 10वां ते रात 11वीं सारे मुरीद सामने बिठाने इक्को ही निगाह करना ते वली बना दे हजरत साईं तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मलफूजात विच इक बड़ी मिठी जी बात लिखी सुना देवां थोड़ा होर औला बोलो तो नजर ना लग जाए भाई हाथ चुकन दी मैं अगे भी गल सुनाई मैं अगले दिन लाहौर हजरत जी तकरीर कर रहा कोई 40 उम्र के टिकट को बड़ा लखन का इतिमा सी ते मैं आख्या भाई जिन्हें जन्नत जाना हाथ खड़ा कर लो सारे हाथ खड़े कर ले मेरे सामने एक नौजवानों ने हाथ ना खड़ा किया मैं आख्या भाई तू जन्नत च नहीं जाना वो कहन लगा सी साहब अम्मी ने आख्या सी पुत्र माफल तू सीधा घर ही आ हूँ जिन्होंने इंज की मजबूरी नहीं ना वह हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह जोर लगाओ तो बोलो सुभान अल्लाह हजरत साईं तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि बगदाद के अंदर एक नौजवान सी बगदाद के करीब एक गांव के विच रहंदे उन्हें अपने ज़हन च सोचा कि मैं उस पीर का मुरीद बनागा जिहड़ा 5 वक्त नमाजी होवे ते वुज़ू घरों करके जावे उन्हें अपने ज़हन के अंदर ही चंद नक्शे बना ले पीर दे कह लगा मुरीद ओदा बनागा 5 वेले दा नमाजी होवे ते वुज़ू घरों करके जावे जे वुज़ू घरों ना करके जावे ते पानी दा लोटा घरों पर लेके जावे ते लोटी दी टूटी दा मुंह वे काबे वाल होवे ते मैं उस पीर दा मुरीद बनागा टुरिया टुरिया जद बगदाद दी गगलियां च आया ना ते गौस पाक दे मोहल्ले दे नाल दा मोहल्ला ते उत्थे इक जलाया सी कपड़े बुंदा सी ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟੂਟੀ ਲੋਟਾ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਟੂਟੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਚੱਲਿਆ
ते ए लोटा क्यों पकड़िया? फरमा वजू करना है। उन्हें आख्या टूटी दा मुंह भी काबे वाले, लोटा भी हाथ च, वजू भी करना है, नमाज भी पढ़न जा रहा है, ये पीर है। साई तबकुल शामबाल भी रहमतुल्लाह अलैह फरमा ने कि उन्हें कदम फाड़ लेते, कहने लगा बाबा जी तुसी मेरे पीर हो तो मैं तुहाडा मुरीद हाँ। और बाबा जी जुलाए, कहने लगे पुत्र मैं पीर है ही नहीं। उन्हें आख्या तुसी पीर हो या नहीं पर मैं तुहाडा ही मुरीद हाँ, क्योंकि निशानियां पूरी हो गई। बाबा जी ने जो वेख्या बड़ी जिद करता, कह लगे चल आ पुत्र नमाज पढ़िए बाद च गल करने। नमाज पढ़ के घर आए थे, आख्या लै पुत्र मैं पीर ते तू मुरीद। अज तो बाद इंज करांगे सारा दिन कट्ठे कपड़े बनावांगे, ते शाम नूं तू जाके जंगल चो लकड़ियां ले आवीं, खाना पकावांगे, खावांगे ते सोवांगे। उन्हें रोजाना अपने पीर दे नाल कपड़े बुनने, शाम नूं लकड़ियां जंगल चो लिया के खाना बनाना, ते पीर नूं भी खिलाना ते खुद भी खाना। वक्त गुजरता जा रहा। सही तबक्कुल शामबाल भी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि एक दिन वो नौजवान जंगल चो लकड़ियां लैके आ रहा, थे इधर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जा रहे। आप दे नाल मुरीद दी सन, उन्हें जब पहली निगाह उठी तो गौस पाक दे चेहरे ते पई ना, अखेड़ा रंग पेश करा जब उहदी निगाह गौस पाक दे चेहरे ते पई ना, ते बस अख अख विच पा के तकिया सू, मेरे दिल दे कर गया सौ टुकड़े। उहदी निगाह जब गौस पाक दे चेहरे ते, गौस पाक दी निगाह उहदे चेहरे ते पई ना। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने काले कुन डले इजुल्फे महीदे के झाल चले हुन केड़ा अख नले अख मिला मुहम्मद लुट खड़िया दिल मेरा। निगाह गौस पाक दी पै जाए, हर रोज गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ना सखावत करदे सन रोजाना। वली सखी हुंदा, कंजूस वली नहीं हो सकदा, याद रखिएगा। आप रोजाना सखावत करते सन। एक दिन असर की नमाज भी पढ़ चुके थे, मगरिब का वेला करीब, थे मुरीदा वेख्या जो सखावत नहीं की थी। अर्ज की थी बाबा जी सखावत नहीं करनी। फरमा जो पैसे कोई नहीं, तो हजूर सखावत फरमा सखावत करनी है। हजूर के वे फरमा जाओ सारे बगदाद के चोर डाकू वो चक्के कट्ठे करके ले आओ, मुरीद गए तो कट्ठे करके ले आए। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने खिदमत गारा ए पकड़ ले आंदे कनहारे निकारे मीरा नजर करम दी कीती ते बली बना। आप दे हुजरे ते लिखे सी बड़े मोटे अल्फाज़ नाल या शेख अब्दुल कादर जी लानी शही अल्लाह। एक मुनकर सी, आप दा दोस्त सी वैसे, ते आके ते करीब कहन लगा मौलवी शेर मोहम्मद इत्थे लिख या अल्लाह मदद, तू लिखे या शेख अब्दुल कादर जी लानी शही अल्लाह। आपने जवाब को नहीं दिता, बस आप विरद करन लग पे। फरमाते ने या शेख अब्दुल कादर जी लानी शही अल्लाह, या शेख अब्दुल कादर जी लानी शही अल्लाह, या शेख अब्दुल कादर जी लानी शही। आपने ना फरमाया तो उनका चीख मार के बेहोश हो गया। जब होश आया तो अभी भी पढ़ता या शेख अब्दुल कादर जी लानी शही अल्लाह। आपने फरमा बे लिया की होया, कहन लगा अचानक मैं भी होश होया, मैं देखा तेरे हुजरे च एक सबज चोले वाला बाबा निकले आओ, ते मैनू कहन लगा पढ़ या शेख अब्दुल कादर जिलानी सही अल्लाह। मैं पूछया बाबा जी तुसी कौन हो, फरमाया मैं गौसे पाक हूं। मैं तेनू दसन आया साडा मुरीद जिथे पुकारे असि उथे ही आ। तो
नौजवान गौस पाक दी निगाह नौजवान ते पै गई। आपने फरमाया दुनिया मैनूं वेखण नूं तरसदी ते इह वेख के दौड़ गया। मुरीदी नूं फरमाया पकड़ के लियाओ। वह जदों पकड़ के मुरीदी ने लिया ना ते उहने निगाहां नीचे कीतियां। गौस पाक ने फरमाया भाई तू कौन है? कहन लगा जी मेरा फुला नाम है। आपने फरमाया दुनिया मैनूं वेखण नूं तरसदी है, तू मैनूं वेख के पर्दा करके दौड़ गया, वजह की है? कहन लगा बाबा जी मैं किसे पीर दा मुरीद, पीर ते मेरा भी सोना है पर तेरे जिन्ना सोना कोई नहीं। मेरी पहली निगाह तेरे चेहरे ते पई ते बाबा तू सोना ही बड़ा है। मैं जे दो गड़ियां तेनू होर वेख लैंदा अपना पीर छड़ के तेरी गुलामी करनी पै जानी। औलिया अल्लाह लदीन इदारु उज़ुकिन अल्लाह वली हुंदा ही होवे जिहनूं वेखे ते खुदा याद आ जाए। कहन लगा बाबा मैं ते दो घड़ियां और वेखदा तेरा मुरीद बनना पैना सी। आपने फरमाया तेरा पीर केड़ा है? उन्हें अर्ज कीती हजूर जिहड़ा नाल दे मोहल्ले विच चलाया ना जिहड़ा वह मेरा पीर है। उन्हें पीरां दा पीर है भाई, हर पीर दा मुरीद हर पीर दा उर्स साल बाद हुंदा है, गौस दी यारवीं रोज हुंदी है। पीरां दे उर्स मुरीद बनाउंदे ने, गौस दी यारवीं पीर बनाउंदे ने, क्योंकि पीरां दा फैज मुरीदां नूं मिलदा है, गौस दा फैज पीरां नूं मिलदा है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला नूं उत्थे ही निगाह करके वेख्या। मैं वेख्या इहदा पीर जिहड़ा उह किहड़ी वलायत दी मंज़िल ते वे। आपने जदों निगाह कीती ना ते निगाह ते आप दी इंज दी कि गौस पाक फरमांदे ने मैं अपने मुरीद दे सिर ते इंज रहिणा जिवें जमीन ते आसमान रहिंदा है। आप फरमाते ने कि मशरिक च मेरा मुरीद बैठा हुए ते मैं मगरिब च बैठा हुआ ते मेरे मुरीद दा सिर नंगा हो जाए। मैं करम दी निगाह करा ते अपने मुरीद दा सिर कज देना वहां। ये निगाह आपने उते खलो के निगाह की वेख्या ते उते पीर ही नहीं, उते जुलाए, उते कोई वलायत दी मंजिल ते नहीं किसे ते, उते आम मुसलमान नमाजी है बस। आपने फरमा बेटा उते पीर नहीं। कहन लगा बाबा जी पीर है या नहीं? मैं मुरीद हाँ। मुरीद सादिक सी ना। कह लगा हुजूर ओ पीर है या नहीं? पर मैं ओदा मुरीद हां। गौसे पाक ने फरमाया फिर इधर आओ ते पीर नहीं तेरी ते मुरीदी सच्ची है, तेरी अकीदत सच्ची है, तू क्यों खाली रवे ओनू सीने ना लगा के ते बलाया दिया सारिया मंजिला तय करा दितिया। ओ नौजवान कह लगा बाबा जी तुहाडा की जाना है, मैनू दिता जाए मेरे पीर नू भी दिया जाए। गौसे पाक ने उथे ही पीर वाल निगाह की, ओनू भी बली बना दिता। फरमाया जाओ दोवें मौजा करो, साडा की जाना है, असा ते दीवे नाल दीवा ही बलना। असा ता दीवे नाल दीवा ही बलना। गौसे पाक ने निगाह की ते दोनों नू वली बना दिता। गौसे पाक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो कुर्दिस्तान गए ना जदों, एक कुर्द जेड़े लोग ने, आपने वेख्या मुसलमाना ते ईसाइयां दा मुनाजरा हो रहा। ईसाइयां दा पादरी आखे साढ़े नबी ईसा अलैहि सलाम अफजल ने। मुसलमान पूछया किवें? ते ईसाइयां दा पादरी कहन लगा तुहाडे कुरान च लिखे अल्लाह करीम ने फरमाया कि हजरत ईसा ने मुर्दे जिंदा किए, तुहाडे नबी ने मुर्दा ने जिंदा किया। गौस पाक फरमान लगे तू नबी की गल करना है? मैं नबी का पुत्र हाँ, मैं जिंदा कर देना। पर मैं दस के मुर्दा जिंदा करना? कब्रस्तान लै गया पुरानी जी कबर वाल हाथ इशारा किया, कहने लगा आ मुर्दा। गौस पाक ने कबर में जाती मारी ते वेख्या ते वेख के फरमान लगे ये हजरत दानियाल अलैह सलाम का उमती है। ये जब दुनिया से सी ना तो यह बांसुरी बजाता सी, जे आखे तो बांसुरी बजाता ही उठे। उन्हें आख्या जी उठे। गौस पाक ने फरमाया तेरे नबी हजरत ईसा अलैहि सलाम की कह के मुर्दा जिंदा करते सन? कहन लगा जी वह कहते सन कुम बेज़निल्ला, अल्लाह के हुक्म नाल उठ। गौस पाक ने कबर ठोकर मार के फरमाया कुम बेज़नी मेरे हुक्म नाल उठ। वो बांसुरी बजांदा बाहर आया ते कहन लगा कि गौस पाक ईसाइयां दे पादरी नूं दसो कि कमली वाला ही नबियां दा सरदार है। अल्लाह अकबर। गिरामी कादर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन वजू फरमा रहे, मुरीद लोटे च पानी लाके वजू करा रहे। इस तरह ना गौस पाक ने अपनी मुठ्ठी च पानी लाके ना चुल्लू भर के हवा च सटिया, फिर सटिया, फिर सटिया। तीन चीखा चौथी चीख मारी ना ते आपने पानी नहीं सटिया बल्कि अपने पाँव की खड़ावा
जुत्ती मुबारक उतार के हवा च सटी। वह मुरीद जरा वजू करा कहते मैं वेख्या गौस पाक दी जुतियां जांदियां ते नजर आईया पर आउंदियां तीन दिन गुजर गए। वह परेशान के गौस पाक मेरे पीर दी जुतियां मुबारक किधर गई। तीन दिन के बाद गौसे पाक ने उस मुरीद को बुलाया, बुला के फरमा जा बाहर दरियाए दजला देना एक एक काफिला आया एक जहाज उतरे बहरी जहाज उन्होंने जाके कमी मैं ग्यारहवीं वाले पीर का मुरीद हाँ वो जो दिन लेके आ जा। वह मुरीद कहता जो मैं गया तो मैं जाके काफिले के सरदार को मिलया तो आख्या मैं हजूर गौसे पाक का मुरीद हाँ। उन्होंने बड़ी आओ भगत की बड़ी खिदमत तवाजो बड़े तहाए पेश किए नजराने दिते तो नाल गौस पाक दियाँ जुतियां भी दितियां। वह मुरीद कहता मैनू ख्याल आया कि बाबा जी को नहीं पूछा जाना तो इन्होंने पूछा मेरे पीर दियाँ जुतियां मुबारक कितों लिया। उन्हें जदू पुजे काफले का सरदार कह लगा जो तू तीन दिन पहले असि एक जंगल च गुजरे अचानक डाकुआ ने काफिला लुट लिया। कहते जेड़े वेले काफिला लुट के डाकू जा रहे मैनु ग्यारहवीं वाले की याद आई मैं बगदाद वल मुंह करके आखिया ग्यारहवीं वाले जे कदे अज बचा ले बगदाद आके नजराने देवांगा। कहते गौस पाक ते नहीं आए आप दियां जुतियां आ गई आके डाकुआ दे सरां च पटाख पटाख बजदियां ने डाकू समान सुट के दौड़ गए ते डाकुआ दा सरदार कहन लगा काफले वाले लगदा तुहाडे पिछे कोई जिउंदा है अज लोग कहंदे ने तुहाडे वली मदद नहीं करदे ओ झल्लिया तू वलियां दी गल करने साडे वलियां दियां ते जुतियां मदद कर लैंदियां। साडे औलिया दियां ते जुतियां भी मदद करन ते अमल कर लैंदियां। गौसे आजम दरमियान ने औलिया जो मुहम्मद दरमियान ने अंबिया जिवें नबियां विच कमली वाले दा मुकाबला इंज वलियां च गौस पाक दा मुकाबला। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह च आखे ते दुआ अल्लाह मेरी तुहाडी हाजरी नूं कबूल फरमाए। बानियां ने महफिल और बज़म दे तमाम रकीनों अल्लाह दे दुगनी राह चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दवाइया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।